कहता है भक्त कि मेरा सब कुछ तेरे चरणों में अर्पण है और तू ही एक ऐसी परम शक्ति है जो मेरी सारी व्यथाएं दूर कर सकता है। तेरे चरणों पर रिवर्ब दे दीजिए प्लीज साउंड में, साउंड थोड़ा सा डिले दे दीजिए, थोड़ा सा मॉनिटर में फ्लूट दे प्लीज, मॉनिटर में फ्लूट थोड़ा सा डिले आ रहा है।
दूसरा भजन आप सबने उसको बहुत सराहा है और अगर आप मेरा साथ देंगे तो दोनों तरफ आनंद आएगा, मुझे गाने का और आपको सुनने का। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये कहा गया है कि दुनिया में जब जब अत्याचार बड़े हैं, भगवान कोई ना कोई अवतार लेकर धरती पर अवतरित हुए हैं, ऐसे ही दो स्वरूप रहे हैं भगवान के, श्री कृष्ण और श्री राम। ये जो भजन है इसकी एक विशेषता ये है कि इसके हर पंक्ति में कृष्ण और श्री राम दोनों का नाम साथ साथ लिया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए ये भजन सुनिएगा तो बहुत आनंद आएगा आपको। हेलो 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 कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम।
सब अगर साथ देंगे तो और मजा आएगा. प्लीज हाथ उठा के जरा एक बार बोलो राम. ऐसे भक्तिपूर्ण प्रस्तुति के साथ आज की संध्या का शुभारंभ हम सबके लिए सचमुच मंगल की कामना के साथ आए और आपके जीवन में मंगल हो यही हम सबकी कामना है. रिंकू जी का और सभी सह कलाकारों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. रिंकू कालिया जी के साथ इस प्रस्तुति में दिनेश रहेजा जी, सरबजीत जी, प्रकाश नेपाली जी, गोल्डी सिंह जी और अरविंद गुप्ता जी. और अब मैं निवेदन करूंगा अगली प्रस्तुति से पहले डॉक्टर पवन सैनी जी माननीय हमारे विधायक लाडवा से, सुभाष सुधा जी माननीय हमारे स्थानीय विधायक, किरण जी और गौरव जी कहाँ हैं, निवेदन करूंगा कि आप लेकर आए माननीय विधायक गण को डॉक्टर पवन सैनी जी और सुभाष सुधा जी मंच पर आकर उनके करकमलों से दीप प्रज्वलित करके औपचारिक शुरुआत आज की संध्या की हम करें, जहां जापान की एक छोटी सी प्रस्तुति और उसके बाद नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रस्तुति धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो प्रस्तुति भी आप अवश्य देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से 400 से अधिक कलाकारों ने उस प्रस्तुति को तैयार किया है और इसी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए विशेष तौर पर उन कलाकारों को बहुत जगह से एकत्रित करके जिसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कलाकार शामिल हैं, उन कलाकारों के माध्यम से कुरु प्रदेश कुरुक्षेत्र के इतिहास को और यहाँ से उपजी संस्कृति के विभिन्न बहुमूल्य पहलुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश उसके माध्यम से की जा रही है. तो आइए सबसे पहले आज की संध्या के इस दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत औपचारिक आज के संध्या की शुरुआत आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी तालियों के साथ, क्योंकि आपकी उपस्थिति के साथ साथ आपकी इसमें प्रतिभागिता जरूरी है और वो प्रतिभागिता पार्टिसिपेशन जो है वो आपकी तालियों के माध्यम से ही हो सकती है और इसीलिए आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि इस शुभ कार्य में अपनी उपस्थिति भी और अपने करतल ध्वनि के साथ इनका इस शुरुआत का हिस्सा बने. आज हमारी अगली प्रस्तुति जो है वो जापान के आए कलाकारों की तरफ से है और पहली प्रस्तुति जिस तरह से आपने देखा रिंकू कालिया जी के गायन की, भजन गायन की प्रस्तुति, जो आर्ट, जो कला और संस्कृति विभाग है हरियाणा सरकार का, उसके माध्यम से ये प्रस्तुति हमने आपके समक्ष रखी है. अगली प्रस्तुति निफा के माध्यम से जो जापान से आए कलाकारों की प्रस्तुति के रूप में है
और जापान में से भी भारत और जापान का बहुत नज़दीकी और बहुत गहरा रिश्ता है, एक आध्यात्मिक संबंध है भारत और जापान का। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय सुभाष सुधा जी का, डॉक्टर पवन सैनी जी और सभी विभूतियों का जो कि इस मंच पर पधारे, दीप प्रज्वलित किया। और आपको अगली प्रस्तुति की तरफ हम लिए चलते हैं सीधे जापान और भारत के घनिष्ठ ऐतिहासिक आध्यात्मिक और धार्मिक रिश्तों की वजह से हमेशा से जापान के लोग भारत की संस्कृति, यहाँ के अध्यात्म, यहाँ के दर्शन के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखते रहे हैं। और उसी श्रद्धा भाव का प्रतीक है जिस तरह से बुद्ध धर्म का प्रचलन और लोकप्रियता जापान में है, हम सब अच्छी तरह से उस बात को समझते हैं। जापान से आए कलाकार शांति और आनंद के संदेश के साथ और कामना के साथ आपके सामने छोटी छोटी प्रस्तुतियां, चार प्रस्तुतियां हैं जो गीत हैं, और गीत के साथ साथ मल्टीमीडिया के जरिए वहां के सुंदर दृश्य भी आपके समक्ष वो प्रस्तुत करेंगे। और उसमें वहां के चार अलग अलग मौसमों के माध्यम से जो दिनचर्या हमारी होती है, जिस तरह से भारत को भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम तमाम सांस्कृतिक विविधताओं में एक रंग हमारे मौसमों की विविधता का भी है, और ऐसे में जापान में भी मौसमों के अलग अलग रंगों में जो जीवन की शैली अलग अलग रूप से प्रकट होती है और प्रकृति का जो नवस्वरूप सामने आता है वो बहुत ही आनंददायी होता है, और इसीलिए वो प्रस्तुति आपको प्रकृति के साथ जोड़ेगी और प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर परमात्मा जो है प्रकृति के माध्यम से, और प्रकृति उसका सबसे सुंदर स्वरूप है, उसके माध्यम से अपने आप को ईश्वर प्रकट करते हैं इस सृष्टि में। आइए प्रकृति के उन रंगों को, चाहे वो भारत की धरा पर हो और चाहे किसी और देश की धरा पर हो, उन रंगों से जुड़े, सबके लिए मंगल कामना करें। इसमें जापान से आई कैजुए खुराना, वो आपको इन प्रस्तुतियों का यानी गीतों का भावार्थ हिंदी में साथ साथ आपको बताएंगी, ताकि आप उनका अच्छे से अच्छे ढंग से आनंद ले सकें। और भारत और जापान के जो घनिष्ठ संबंध हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, उन संबंधों और सांस्कृतिक, सही सी बात है, उन संबंधों की ये अभिव्यक्ति इस प्रस्तुति के माध्यम से आप देखें भी, आप सुने भी। एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों आइए स्वागत करते हैं बहुत बहुत सम्मान के साथ जापान से आए कलाकारों का। और मैं निवेदन करूंगा कैजुए खुराना से कि वे आज के प्रस्तुति के बारे में आपको उसका विवरण भी देंगी और हर गीत के बारे में आपको उसकी जानकारी भी देंगी। कैजुए खुराना, मंच की लाइट दे। जापान बहुत सारे द्वीपों का देश है और उन द्वीपों पर अलग अलग तरह की जीवन शैली है, वहाँ के एथनिक ग्रुप्स के अपने अपने सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं, और मौसमों के अलग अलग रंग भी हैं। जापान में जहाँ बर्फ से घिरे पहाड़ और घाटियां आपको नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। मौसमों के बहुत सारे रंग हैं और उन रंगों के साथ हमारी दिनचर्या और हमारे गीत और संगीत का सृजन भी होता है, और उन्हीं की कुछ झलक आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से, निफा के माध्यम से आए जापान के कलाकारों के जरिए। ठीक है, ओके 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 ओके। ओके, यस। Please start. सबको नमस्कार, हम जापान से आई हैं
हम फोर सीजन के द्वारा जापान के ब्यूटी दिखाएंगे। पहले सबसे ज्यादा सुंदर सीजन स्प्रिंग है, फूल का सीजन है, लवली चेरी ब्लॉसम, ये देखिए स्प्रिंग का मेन सिंबल है, पूरे जापान में खेलते हैं। फिर उसके बाद समर आते हैं, जापान का गर्मी इंडिया से थोड़ा अलग होते हैं, बिल्कुल नीला रंग का आसमान, सूरज की आशीर्वाद पूरा जमीन पर गर्मी का सुंदर पोषक दिखा देते हैं। अब आपको सुनाएंगे गाना शिमा उता माई होम टाउन और ओटम का सॉन्ग चीसाई आकी मित्सुकेता स्मॉल ऑटम मिल गया। Oh,
जापान का ओतम आप देख सकते हो, पहाड़ों का रंग आग जैसा ब्यूटीफुल कलर में रंग जाते हैं। ओतम के बाद ठंड ठंड सर्दी विंटर बर्फ का मौसम है। बर्फ का मौसम में हम सब सर्दी को पूरा एंजॉय करते हैं। यूकी जापान का सुंदर नेचर
आप सब लोग का दिल का एल्बम में जोड़ जाए। हम सब शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। वी विश वर्ल्ड पीस विद द फोर सीजन। अब लास्ट सॉन्ग है नादा सो सो। इस गाना का मतलब है जिंदगी में मुश्किल बहुत आते हैं, फिर भी हम नहीं हारेंगे, अच्छा जिंदगी जिताएंगे। Ooh, we have a moon.
संसार में शांति हो, सुख हो, आनंद हो, इसी कामना के साथ इन कलाकारों ने जापान से जो आए हैं ये गीत भी प्रस्तुत किया है और अपने जापान के तमाम जो रंग हैं मौसमों के वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गौरव अंतिल जो कि CEO हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के, कि वे आदरणीय सुभाष सुधा जी को लेकर मंच पर आएंगे और आप सबके तरफ से आदरणीय सुभाष सुधा जी माननीय विधायक महोदय के हाथों से इन कलाकारों को जो कि इनके दल के जो ट्रुप लीडर हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर गौरव से रिक्वेस्ट है और किरण जी लेकर आए माननीय विधायक महोदय को मंच पर, आदरणीय सुभाष सुधा जी, और उनके हाथों से जापान से आए इन कलाकारों को यहाँ शॉल भेंट करके, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार विधायक महोदय के कर कमलों से। ये सच बात है, जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और गीता, भगवद गीता का संदेश और उसके संस्कार भी यही हैं जो इस धरा से उपजे। तो इन कलाकारों को, इन कलाकारों की तरफ से कैजुए खुराना और उनके ट्रुप लीडर भी, आप प्लीज सारे आर्टिस्ट और ये एक जो सबसे सीनियर इनके ट्रुप लीडर हैं उन्हें शॉल भेंट करके और ये सभी कलाकारों की तरफ से उनका सम्मान माननीय विधायक महोदय के कर कमलों से। और जाहिर सी बात है भाषा भले आड़े आती हो लेकिन आपकी तालियों की आवाज़ वो जरूर समझ सकते हैं कि आपने उनको बहुत पसंद किया है, बहुत सराहा है और बहुत ध्यान से उनकी प्रस्तुतियों को देखा और सुना है। तो इन कलाकारों को जिन्हें भारत की भूमि के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा है, ऐसे कलाकार जो सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से, और ऐसे देश के वासी जो इस देश से, भारत से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं, उनकी इस प्रस्तुति को हम नमन करते हैं, उनकी आगमन का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही आभार माननीय सुभाष सुधा जी का, हमारे माननीय विधायक महोदय का और इन सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। काजुए खुराना और सभी साथी कलाकारों का आभार उनकी इस संक्षिप्त सी लेकिन बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए। देवे सज्जनों, हम अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ आपको लिए चलते हैं। निफा की यह प्रस्तुति थी और अब अगली प्रस्तुति जो है वो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सौजन्य से एक बहुत ही सुंदर कोरियोग्राफ्ड आइटम जिसमें नृत्य के तमाम स्वरूप आपको नजर आएंगे, शास्त्रीय नृत्य से लेकर लोक नृत्यों की छटा है जिसमें हरियाणा के और पंजाब के और चंडीगढ़ के बहुत ही जाने माने कलाकार, गायक कलाकार सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं और सबका उद्देश्य एक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस शीर्षक से होने वाली इस प्रस्तुति में आपको, इस प्रस्तुति में आपको इस धरा के संस्कृति, इसके इतिहास, इसके संस्कार, यहां से उपजे अध्यात्म और दर्शन और चिंतन को आपके समक्ष रख सकें। पवित्र नदी सरस्वती जिसने इस धरा को सींचा है और जिस धरा के सिंचन के माध्यम से सरस्वती के तट पर ही हमारी वैदिक ऋचाओं का, उपनिषदों का इनका सृजन हुआ, उनकी रचना इस पवित्र धरा पर हुई है और बहुत सारे ऋषियों, मुनियों ने, संतों ने यहाँ चिंतन किया, मंथन किया, यहाँ पर तप किया और इसीलिए ये तपोभूमि भी है कुरु प्रदेश। महाराजा कुरु ने अष्टांग धर्म के बीज इसी धरा पर बोए थे और महाराज कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र की ये धरा कुरुक्षेत्र के रूप में जानी जाती है। आज ये प्रस्तुति इस सारे इतिहास को अपने आप में समेट कर आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश तो इस पावन धरा पर दिया ही ज्योतिसर में, लेकिन इसके साथ साथ ये हम सब जानते हैं जो कुरुक्षेत्र के इतिहास से परिचित हैं, भगवान बुद्ध का यहाँ आगमन, उनके चरण रज प्राप्त करने का गौरव इस धरा को मिला, गुरु नानक, गुरु अमरदास जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसे महान गुरुओं के चरण रज प्राप्त करने का सौभाग्य कुरुक्षेत्र के इस पावन धरा को मिला है जहाँ उन गुरुओं ने इस धरा को प्रेम और मानवता का संदेश दिया और उसके माध्यम से इसकी संस्कृति को समृद्ध किया। ऐसे ही सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा भी यहाँ उसी बात की याद दिलाता है जो धार्मिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव के माध्यम से मानव कल्याण की कामना और उस कामना के साथ अपने प्रयत्न और अपने जतन और अपने कर्म हम उस दिशा में लेकर जाएं, ये प्रेरणा हम सबको मिलती है। एक निवेदन ये जरूर करेंगे कि बीच में जो लोग खड़े हैं अगर कहीं संभव हो तो जगह लेकर बैठ जाएं क्योंकि उनके पीछे जो लोग बैठे हैं उनको मंच की प्रस्तुतियों को देखने में थोड़ी सी असुविधा होगी। दूसरी एक बहुत अच्छी बात ये भी आपसे हम साझा करना चाहेंगे, इस बीच जबकि मंच पर ये तैयारियां चल रही हैं, हमारे जैसा कि आप जानते हैं 574 ऐसे श्लोक भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदु से प्रस्फुटित हुए, अर्जुन को संदेश के रूप में, अर्जुन के माध्यम से मानवता को संदेश के रूप में प्राप्त हुए और इसीलिए 574 भारत के जिले और उन जिलों से, हर जिले से एक प्रतिनिधि जो उस 574 श्लोकों में से एक श्लोक का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए पूरे देश से आए हुए हैं।
ऐसे 574 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका हम जरूर स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। देश की एकता, सांस्कृतिक एकता का एक सुंदर परिदृश्य उनकी उपस्थिति से इस उत्सव में हमें देखने को मिलता है, और इस सारे आयोजन के दौरान उनकी उपस्थिति एक इसको अलग स्वरूप देती है, क्योंकि ये अपने साथ अपने जिलों की मिट्टी भी लेकर आए हैं, पवित्र मिट्टी, और उन सारे 574 जिलों की मिट्टी से यहाँ एक भव्य कृष्ण प्रतिमा का सृजन होना है, निर्माण होना है, और वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा इस देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता का प्रतीक होगी, और एक अनुपम भाव उसके पीछे और उसकी पृष्ठभूमि में होगा, और सबके लिए, हम सबके लिए प्रेरणा होगी, क्योंकि ये देश एक रहे, अखंड रहे, सांस्कृतिक रूप से हमारी तमाम विविधताओं के बीच हम भारतवासी होने का गौरव सदैव महसूस करते रहे। तो ऐसे सभी को नमन करते हुए, ऐसे भगवद गीता के मूल्यों, आदर्शों और चिंतन के प्रति जिनके मन में श्रद्धा है उनको नमन करते हुए आज की प्रस्तुति की तरफ हम आपको लेकर जाएंगे। लेकिन उसके पहले ये याद जरूर दिलाएंगे कि कल की संध्या में शाम ठीक 6 बजे 6 से 6:15 का समय होगा ग्लोबल चैंटिंग का। 18 जो श्लोक हैं गीता के, 18 श्लोक, उन श्लोकों का पाठ जो है सस्वर पाठ यहाँ ब्रह्म सरोवर के तट पर ही होगा, और उसी समय एक समय में ही ISD यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 से 6:15 का समय है। लेकिन पूरे दुनिया में 25 ऐसे देश हैं, 25 से कुछ ज़्यादा ही देश हैं जो सीधे सीधे उस ग्लोबल चैंटिंग से जुड़ेंगे। वहाँ वहाँ उन देशों में भी ग्लोबल चैंटिंग होगी, 18 श्लोक जो है गीता के, वहाँ भी गीता का सस्वर पाठ होगा, और हम कहीं भी हों, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम भी उससे ज़रूर जुड़ सकते हैं। और उसके बाद आरती, और उसके बाद कल की संध्या की प्रस्तुति भी है जो बहुत आकर्षक है, मथुरा की हमारी सांसद और भगवान कृष्ण के, और खासतौर पर महाभारत के उन प्रसंगों को द्रौपदी नृत्य नाटिका के माध्यम से वो प्रस्तुत करेंगे, हेमा मालिनी जो कल की संध्या में यहाँ प्रस्तुति के लिए आ रही हैं। और शाम 4:30 माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी का भी शुभागमन होगा यहाँ कार्यक्रम में। इस तरह से ये आयोजन जो कल के अंतिम दिन तक पहुंचेगा एक अपनी पराकाष्ठा और बहुत शुभ संदेश के साथ संपन्न होगा, ये हम सब का विश्वास है। उसी तरह जिस तरह 7 तारीख को 18,000 से ज़्यादा स्कूली विद्यार्थियों ने एक साथ 18 श्लोकों का पाठ समेत स्वरों में किया, और जो विश्व कीर्तिमान बनने की ओर अग्रसर है उसकी पुष्टि जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा बहुत जल्द, ये हम सब का विश्वास है। तो जन जन में गीता के संदेश, जन जन में गीता का चिंतन, उसका अध्यात्म, वो हम सबको प्रेरित करे, हमारे जीवन को प्रेरित करे, और उसके माध्यम से मानव कल्याण हो, पूरी दुनिया का कल्याण हो। तो आइए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक प्रस्तुति, एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ इस प्रस्तुति के कलाकारों को आपका प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए, उनको आपका आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए, ताकि हम डूब सकें इस धरा के उस इतिहास में जिस पर हम सबको गर्व है और हम सब भारतवासी होने पर इतराते हैं, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर गीता का संदेश दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2016 में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है और प्रस्तुत करता है ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से एक अद्भुत एवं रोचक प्रस्तुति, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दिग्दर्शन एवं परामर्श प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह गिल, निदेशक उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, परिकल्पना एवं संकलन रविंद्र शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, मंच संचालक रविंद्र पांडे, राजेश शर्मा, चक्रेश कुमार, सुरेंद्र जीत सिंह बाट, मंच सहायक किशन कुमार, संगीत निर्देशन अर्जुन जयपुरी एवं हेमंत सैकिया, नृत्य निर्देशन
हरीश गंगानी, जितेंद्र मोना एवं मानशी दास। मंच व्यवस्था एवं मंच निर्माण, कार्यक्रम प्रबंधन भूपेंद्र सिंह एवं राधे श्याम। छाया एवं प्रचार अजय भगत। कार्यक्रम प्रबंधन रविंद्र शर्मा एवं जर्नैल सिंह। ध्वनि संयोजन महेश विशिष्ट। गीत स्टूडियो मोहाली। ध्वनि प्रकाश एवं मंच व्यवस्था मॉडर्न स्टेज दिल्ली। वस्त्र विन्यास श्रृंगार एवं रूप सज्जा भरणी कुमार एवं राधे श्याम। गीत संरचना सूरदास रस खान एवं रजनीश भगत। रागिणी गायन ईश्वर शर्मा एवं पार्टी। कथा लेखन एवं निर्देशन रजनीश भगत। साभार श्रीमती सुमेधा कटारिया। डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र एवं गौरव अंतिल सीईओ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। विशेष आभार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम।
चप्पे चप्पे और कण कण को मैंने सदियों सींचा और निहारा है और अपने आंचल की छांव में खेलते कूदते हुए बचपन को युवा होते देखा है। यही नहीं, अपने बच्चों के हृदय में अनंत प्यार और स्नेह भरा है मैंने। नित्य प्रतिदिन निरंतर प्रवाह करती हुई भारत की इस पावन भूमि को मैं नमन करती हूँ। यहाँ पर बसने वाले लोग सदैव सत्य, ज्ञान और कला प्रेमी रहे हैं। उन्हीं देवताओं और ऋषियों ने
उस ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम पर मेरा नामकरण किया और मैं भी उस माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए उनकी अर्चना करती हूँ। संस्कृति मेरे ही तटों पर ऋषियों ने किया था संकलन वैदिक ऋचाओं का, ब्राह्मणों के मंत्रों का और उपनिषद के ज्ञान का। इस धरती को इंद्र, विष्णु और शिव की यज्ञ भूमि भी कहा जाता है। शांति शांति शांति।
ओषधयः शान्ति शान्तिः वनस्पतयः शान्ति शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्ति शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः शांति शांति औषधय शांति शांति वनस्पतय शांति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति शांति सर्व शांति 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 देव शांति शांति सामा शांति देवि शांति महाराज ने मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति की रचना की। यहां से दूर उस क्षितिज से मेरी सखी दृष्टवती मुझे कितने आदर व सम्मान से निरंतर निहार रही है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पावन कर्म भूमि पर प्रवाह करती हूं। यहीं इसी धरती पर महाराज कुरु ने बोए थे अष्टांग धर्म के बीज। प्रणाम देवराज इंद्र। राजन कुरु, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, मैं इस भूमि को जोतकर धर्म का बीज बोने जा रहा हूँ। धर्म का बीज उपजा रहे हो? प्रणाम प्रभु, आप स्वयं? हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, मैं इस भूमि को जोतकर धर्म के बीज उपजाने जा रहा हूँ। धर्म का बीज? जी भगवन, मैं अष्टांग धर्म के बीज बो रहा हूँ, जो सत्य, तप, क्षमा, दया, शौर्य, दान, योग व ब्रह्मचर्य से युक्त हैं। क्या ये संभव है? क्या कभी अष्टांग धर्म के बीज धरती पर उपजाए जा सकते हैं? प्रभु, धर्म के सभी बीज तो प्रत्येक मनुष्य की काया में विद्यमान रहते हैं और आपके इस सेवक के शरीर में भी हैं। प्रभु, मैं कृतज्ञ रहूंगा यदि कृपा निधान मेरी काया के अंग अंग को
इस धरती में रोप दें। तथास्तु। धर्मस्सताम हितपुंसाम धर्मश्चैवाश्रमास्सताम धर्मलोक कास्यतात् प्रवृता सचराचरत। और यही हुआ, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राजा कुरु की दोनों भुजाओं के सैकड़ों खंड कर दिए। यही नहीं, उनके शेष शरीर को भी असंख्य खंडों में विभाजित कर यहीं इसी भूमि में रोप दिया और पुनः राजा कुरु को जीवित भी कर दिया। राजा कुरु के त्याग और बलिदान की भावना को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान भी दिया। राजन, तुम्हारी ये भूमि पवित्र और धर्ममय हो जाए, इस क्षेत्र में किए गए कर्म अक्षय हों और स्थान पर देहावसान के पश्चात मोक्ष का परम पद प्राप्त हो, और जितनी भूमि आपने जोती है वो आज से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगी। यहां स्नान दान व पूजा करने वाले का पुण्य निरंतर बढ़ता रहेगा। धन्यवाद प्रभु। गंगाये तु जले मुक्ति वारणस्याम जले स्थले कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। अड़तालीस कोस के इस क्षेत्र में राजा कुरु द्वारा उपजाई गई धर्म की खेती को मेरे चंचल और निर्मल जल ने युगों युगों तक सींचा है। यहाँ के पेड़ पौधों और वनस्पति से धर्म की सुगंध आती है। इसी सुगंधित वातावरण में हस्तिनापुर राज्य की सभी खुशियां और आनंद से सराबोर पांडवों और कौरवों के मधुर संबंधों को भी उजागर करती हैं। हर ओर उनके प्रगाढ़ संबंधों की चर्चा रहती थी, किंतु एक दिन हस्तिनापुर गहरी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया। कौरव पुत्र दुर्योधन ने शकुनी का सहारा लेकर कपटी चाल से पांडव पुत्रों को जुए में हरा दिया। नियम के अनुसार पांडवों को अपना राज्य त्याग कर 12 बरस वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में जाने का आदेश दिया गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ द्रौपदी भी जंगलों में लगभग 11 वर्ष तक अपना जीवन यापन करते रहे। वनवास के 12वें वर्ष में अर्जुन अचानक कहीं चले गए, बहुत दिनों तक लौट कर नहीं आए। उनकी रहस्यमय अनुपस्थिति के कारण चारों भाई भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर बहुत दुखी हो रहे थे। अरे भैया देखो, इतना बड़ा रथ, लगभग 100 अश्व तो होंगे ही। ये तो धरती की तरफ हमारे ही समीप आ रहा है। हाँ भैया हाँ, ये तो हमारी तरफ। निश्चय ही, ये तो 100 घोड़ों का रथ है। अरे पगलो, ये कोई और नहीं, हमारा भाई अर्जुन ही है। अरे देखो देखो भाइयों, हमारा भाई अर्जुन हमारे लिए कितने उपहार लेकर आया है। अर्जुन भैया, हमें दिखा दो क्या क्या लाए हो हम सबके लिए। चलो आओ, मैं दिखाता हूँ। वाह
नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। अर्जुन, तुम प्रभु शिव की चेतावनी भूल गए और इन दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। तुम्हारे ऐसा करने से ब्रह्मांड में महाविनाश हो जाएगा। क्षमा कीजिए देवऋषि, ये हमारी भूल है। हमने अपने ही द्वारा किए गए प्रण को तोड़ने का प्रयास किया है। आपने मुझे सावधान कर महाविनाश से बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। अरे सरोवर तो पास में ही है, ये लोग कहां चले गए? भीम, अर्जुन कहां हो? नकुल, सहदेव, अरे कहां हो आप सब? सावधान, अपने भाइयों को ढूंढने आए हो? ये तालाब मेरे अधीन है। मैंने ही ब्राह्मण का वेश बनाकर तुम्हें हिरणी का पीछा करने और मेरी अरणी उस हिरण के सींगों से छुड़ा कर लाने के लिए भेजा था। युधिष्ठिर, इस तालाब का जल तभी ग्रहण कर सकोगे यदि मुझे मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर दोगे, और यदि तुमने बिना उत्तर दिए ये जल ग्रहण किया, तुम्हारा हाल भी तुम्हारे अन्य भाइयों की तरह ही होगा।
उनमें से किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके प्राण ले लिए हैं। आप जो कोई भी हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उचित उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? दान। सर्वोत्तम लाभ क्या है? आरोग्यता। आरोग्य शरीर ही सर्वोत्तम लाभ है। धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? उदारता। इस जगत में आश्चर्य क्या है? रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि अनंत काल तक जीवित रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। इस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध। क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता? किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लोभ। कौन सा एकमात्र उपाय जिससे जीवन सुखी हो सकता है? अच्छा स्वभाव। वाह, ठीक, सब ठीक उत्तर दिए राजन, किंतु मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूं। तुम जिसे कहोगे वो जीवित हो जाएगा। श्रीमान, मैं नकुल को जीवित देखना चाहता हूं। युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करना ही क्यों ठीक समझा? भीम नहीं तो अर्जुन को ही जिंदा कर लेते, जिसकी रण कुशलता तुम्हारी सदैव रक्षा करती। महाराज, मनुष्य की रक्षा ना तो भीम से होती है ना ही अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। धर्म से विमुख होकर मनुष्य का नाश होता है। मेरे पिता की दो पत्नियों में से एक कुंती पुत्र मैं बचा। मेरा धर्म कहता है कि एक माद्री पुत्र भी जीवित रहे। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम सच में धर्म के अवतार हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुम्हें व्यर्थ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सभी भाई जीवित हो गए हैं। आपको शत शत प्रणाम। यशस्वी भव। भैया प्रणाम। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। बेटा, सचमुच तुम महान हो। तुमने उन्हें जीता है जिनके समक्ष बलशाली से बलशाली भी हार स्वीकार कर लेते हैं, और यही भूख प्यास क्रोध काम शोक मोह व अभिमान पर विजय पाने वाले युधिष्ठिर, मैं आज तुम्हें धर्मराज का नाम देता हूं। साथ ही दो वरदान भी तुम्हें देना चाहता हूं। जो इच्छा हो मांग लो। प्रभु, हमने एक ब्राह्मण को उसकी सरनी और मथनी ढूंढकर लाने का वचन दिया था, जो एक हिरण के सींगों में फंस गई थी, जिन्हें लेकर वो हिरण कहीं लोप हो गया है। आप हमें आशीर्वाद एवं वरदान दीजिए कि हम उनकी ये वस्तुएं उन्हें लौटा सकें। दूसरे वर स्वरूप आप हमें ये भी आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने वनवास के 13वें वर्ष अज्ञातवास को बिताने में सफल हो सकें। युधिष्ठिर, मैं कोई यक्ष नहीं हूं, यमराज हूं। यमराज, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह व्यूह मैंने ही रचा था। ब्राह्मण की वस्तुएं ले जाने वाला हिरण मैं ही बना था।
दूसरे वरदान के फलस्वरूप तुम सब विराट नगर की राजधानी में जाकर 13वां अज्ञात वर्ष व्यतीत करो। वहां तुम सब सुरक्षित रहोगे। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। यशस्वी भव। आओ अब हम चलते हैं। लेकिन भैया हम जाएंगे कहाँ? हम सब ब्राह्मण का वेश बनाकर विराट नगर राजा के राजमहल में जाएंगे। मैं गौशाला की देखरेख कर लूंगा। मैं तो रसोईया बनूंगा। भैया मैंने तो पूरा एक वर्ष तक नपुंसक रहने का वचन दिया है। मैं राजन की पुत्री उत्तरा का संगीत शिक्षा का कार्यभार संभालूंगा। और मैं अश्व साधने वाला। और मैं कहां जाऊंगी? द्रौपदी आप अपना नाम बदलकर सुरेंद्री नाम की दासी बनकर महारानी की सेवा करेंगी। सुनो 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 सभी नगरवासियों ध्यान से सुनो। आज सायंकाल महाराज के दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में पंचाल नरेश महाराज द्रुपद और द्वारकाधीश स्वयं श्री कृष्ण भी उपस्थित रहेंगे। इस सभा में न्यायपूर्ण ढंग से कौरवों और पांडवों के मध्य संधि प्रस्ताव लाया जाएगा। विचारों के आदान प्रदान में सहयोग देने एवं उचित न्याय की व्यवस्था हेतु आप सभी आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। सभासदो, आप सभी को ज्ञात ही होगा कि दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर चौसर के कपटपूर्ण खेल में युधिष्ठिर को हराकर उनको उनके राज्य से वंचित कर दिया था और इसी तरह कुचक्र रचकर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान भी किया था। बाजी हारने के बाद पांडवों ने पूरी ईमानदारी से सभी शर्तों को पूरा किया और उससे पहले भी लाक्षाग्रह जैसी घटनाओं के बारे में भी आपको ज्ञात ही होगा। मेरी राय में एक ही बात के लिए किसी को भी दो प्रकार से दंडित नहीं किया जा सकता। यहां उपस्थित हर सभासद इस बात को जानता है कि दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य वापस देने का इच्छुक नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाने का प्रयास करें। सज्जनों, श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रूप से सारे तथ्य हमारे सामने रखे हैं। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण न्यायमूर्ति हैं और किसी भी तरह सत्य का समर्थन करते हुए हमें पांडवों को उनका राज्य वापस दिलवाना चाहिए। मैं अपने भ्राता श्री कृष्ण और महाराज द्रुपद के विचारों से कतई सहमत नहीं हूं। दुर्योधन का दावा बिल्कुल उचित है। महाराज विचित्र वीर के राज्य का एकमात्र वही उत्तराधिकारी है, क्योंकि महाराज पांडु छोटे थे और महाराज धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण अस्थाई रूप से उन्हें राजा बनाया गया था। इसे तो महाराज धृतराष्ट्र की उदारता ही कहेंगे कि उन्होंने पारिवारिक कलह को शांत करने के लिए आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दिया, जिसे वो सुरक्षित ना रख पाए। इसीलिए दुर्योधन ही इस राज्य का उचित उत्तराधिकारी है। हाँ, ये अलग बात है कि ज्येष्ठ पांडव स्वयं जाकर दुर्योधन से आधे राज्य की मांग करें
और उदारतावश दुर्योधन उन्हें दे भी दे। ना 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 ना, मैं बलराम जी के विचारों से सहमत नहीं हूं। अभी तो मुझे हैरानी हुई, क्या किसी कपट चाल को न्याय की संज्ञा दी जा सकती है? मैं पूछता हूं, यदि दुर्योधन युधिष्ठर के साथ जुआ खेलने का इतना ही इच्छुक था, तो उसने हस्तिनापुर का बंटवारा होने से पहले कभी उसके साथ जुआ क्यों नहीं खेला? ये एक गहरा षड्यंत्र था। पांडवों का राज्य हड़पने के लिए बेईमान शकुनी को पांसे फेंकने के लिए बुलाया गया, इसी कारण पांडव हार गए। ज्ञात हो कि पांडव राज्य नहीं हारे थे, बस एक शर्त हारे थे, जिसके अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर उन्होंने शर्तें पूरी कर दी थीं। मेरी राय में अधिकांश सभासदों की सहमति इसी बात पर बनी हुई है कि पांडवों को अपना राज्य पाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, एक काम करते हैं, किसी एक योग्य पात्र को पांडवों का दूत बनाकर कौरवों के राज्य में भेजते हैं और धृतराष्ट्र पर दबाव बनाते हैं कि वो अपने पुत्रों को समझा बुझाकर पांडवों को उनका राज्य वापस दिलवाए। और पांडवों को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, अगर शांतिपूर्वक कोई हल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करना ही होगा। राजा द्रुपद, आप अपने कुल पुरोहित संजय को पांडवों का दूत बनाकर कौरवों के पास भेज दीजिए। हे प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। युद्ध के मंडराते हुए बादलों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। यदि मेरे राज्य हस्तिनापुर के बदले वो मुझे 5 गांव ही दे दें, तो मैं कदापि युद्ध नहीं चाहूंगा। संजय जी, आपने संदेह प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप इस युद्ध की स्थिति को टाल दीजिए। हमारे लिए ये 5 गांव ही पर्याप्त हैं। किंतु दुर्योधन ने तो यहां तक कह दिया है कि सुई के नोक जितनी भूमि भी नहीं देंगे। मैं सोच रहा हूं कि मुझे स्वयं दुर्योधन से मिलकर कोई ना कोई हल ढूंढना ही होगा। यदि उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? हे कृष्ण, युधिष्ठिर से कह दो कि न्याय को ध्यान में रखकर गहनता से विचार करें और ध्यान रखें किसी के साथ अन्याय ना हो और अपना अधिकार भी ना छोड़े। वो एक क्षत्रिय है और उसके भाई उसकी भुजाएं हैं। यदि समझौते के समय उपाय विफल हो जाए तो फिर युद्ध में भी संकोच ना दिखाए, उससे प्रत्येक अपमान का यथोचित प्रतिकार किया जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब शांति और संधि की आशा करना ही व्यर्थ है। द्रौपदियो गनिका गजगीध अजामिल सो कियो सोन निहारो, गौतम गेहिनी कैसी तरी, प्रहलाद को कैसे हर्यो दुख भारो। काहे को सोच करे रस खाने, कहाँ करे है रविनंद बिचारो। ताखन जाखन राखिए माखन, चाखन हारो सो
राखन हारो, जाखन हारो सो राखन हारो। दुर्योधन, तुम भली भांति जानते हो कि पांडव अजय है। ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना दूत यहां भेजकर नीतिपूर्ण कदम उठाया है, और यदि अब भी तुम हट पर अड़े रहे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। पांडव चुप बैठने वालों में से नहीं है, और यदि वे युद्ध पर उतर आए तो सिर्फ अपना ही नहीं तुम्हारा राज्य भी जीत लेंगे। पितामह श्री, आपको हमारी ओर से चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हमारा पक्ष पांडवों के पक्ष से कमजोर नहीं है। पांचों पांडवों में एक भी ऐसा है जो पितामह श्री का सामना कर सके। ये बात आपसे भी छिपी हुई नहीं कि पितामह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के वचन से बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन्हें तो इनके पिता महाराज शांतनु से वरदान भी प्राप्त है कि ये अपनी इच्छा के बगैर शरीर नहीं त्याग सकते। दूसरे, हमारे गुरु द्रोणाचार्य, क्या इनका सामना करने की ताकत है उनमें? इन्हीं से धनुर्विद्या सीखकर अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी हो गया कि युद्ध में इन्हें हरा दे। पांडवों को तो मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। अपने राज्य की रक्षा और अखंडता के लिए मैं अंतिम सांस तक युद्ध करूंगा। दुर्योधन, इतनी हट ठीक नहीं होती। मैं तुम्हें अब भी समझा रहा हूं, बस एक बार श्री कृष्ण से राय मशवरा ले लो। किंतु वो तो पांडवों के अधिक प्रिय हैं, और वो सब भी हमारे विषय पर नहीं अपितु पांडवों के पक्ष की ही बात करेंगे। अरे पापी, मैं स्वयं को धिक्कारती हूँ जो मैंने तुझ जैसे दुष्ट को अपनी कोख से जन्म दिया। अरे निर्लज, तू इतना स्नेह करने वाले अपने पिता की बात नहीं मान रहा, एक दिन तू पछताएगा। इस धरती को छू कर आती हुई सुगंधित पावन हवाएं, इस माटी के कण कण पर अंकित धर्म कर्म सत्य तप क्षमा दया शौर्य दान योग और ब्रह्मचर्य का संदेश देती हैं समस्त विश्व और समस्त मानव समाज को। इसी धरती पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता उपदेश। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। युद्ध, युद्ध किसके लिए? राज्य के लिए। किस काम का है राज्य? जिनके साथ बांटी जानी हो खुशियां, जब वही नहीं होंगे साथ तो किस काम की है खुशियां? मारकर स्वजनों को पाप तो लगेगा ही, वो नहीं जानते पापाचार। पर हम जानकर भी कुल नाश की व्यथा कथा,
क्यों चाहते हैं युद्ध? क्यों चाहते हैं युद्ध? क्यों चाहते हैं युद्ध? पार्थ, असमय ही उपजे इस विषाद का कारण क्या है? ये मोह क्यों कर? यात माना तो जन्मा है किसी काल, ना ही मरा है। त्याग पुराने वस्त्र से शरीर को, फिर नूतन हो जाता है। अव्यक्त, अचिंत्य और विकारों से अलग आत्मा को जान, बिना शोक के जुट जा कर्म में, यही नियति है कांते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु ते संगोस्त्र कर्मणि। इस पूरे जगत को अपने अंश मात्र से धारण किया है मैंने, सहस्त्र सूर्य की रोशनी से तेज आपके ज्ञान के विराट स्वरूप को देखकर चकित हूं मैं। पास होते हुए भी दूर था अब तक, जान कर भी रहा अनजान अभी तक। हे केशव, मैं नमस्कार करता हूं आपके इस रूप को। हे चराचर जगत के पिता, अनुपम प्रभाव वाले, आपसा दूसरा नहीं है इस जगत में। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं आपको, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं आपको। कांते, मन में ही बसा हुआ है वो, तभी तो कहलाता परम आत्मा। बस उसे जान दो, अपने कर्मों को करते हुए ही परम सिद्धि मिल सकती है। इसलिए हे अर्जुन, मोह के कारण युद्ध न करने के अहंकार को त्याग, अपने स्वाभाविक कर्मों को कर, प्राप्त होगा मुझको जो तू। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, लाज रखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, जैसी लाज रखी पारथ की, जैसी लाज रखी पारथ की, भारत युद्ध मजारी, सारथी हो के रथ को हाँको, सारथी हो के रथ को हाँको, चक्र सुदर्शन धारी,
अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, हो नंदिनी बुधारी। खैचत खैचत दौड़ भुजा के, खैचत खैचत दौड़ भुजा के, देशासन पचिहारी। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। आ, 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 अब की टेक हमारी। और इसके बाद यहीं इसी धरती पर कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था कौरवों और पांडवों का निर्णायक युद्ध महाभारत। हाँ, मैं साक्षी हूँ उन 18 दिनों की। एक अद्भुत रोमांच, वीरता की मिसाल, मानव की आशा, जीने की परिभाषा, रिश्तों की व्याख्या, नैतिकता अनैतिकता, कारण अकारण, जीत हार, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, मित्रता शत्रुता, धर्म और अधर्म। इसी धरती पर अंकुरित हुए थे अष्टांग धर्म के बीज। कौरवों और पांडवों के पूर्वज महाराज कुरु के नाम पर ही हुआ था इस क्षेत्र का नामकरण। तभी से यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। इसी क्षेत्र की धरती को धर्म क्षेत्र का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। महर्षि व्यास जी, मैं कितना असमर्थ और असहाय हूं। मैं रण क्षेत्र में भी जाने के योग्य नहीं हूं। उधर मेरे और पांडव पुत्रों में छिड़े युद्ध में ना जाने जीत किसकी होगी, और मैं इस युद्ध को देख भी नहीं सकता। मैं तो इतना लाचार हूं कि अपने पुत्रों की विजयश्री देख पाने में भी असमर्थ हूं। राजन, इस युद्ध में ना जाने कितने प्रियजनों का रक्तपात होगा, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। तुम शोक मत करना, और यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं।
नहीं ऋषिवर, मैं अपने नेत्रों से नरसंहार नहीं देख सकता। मैं तो धर्म क्षेत्र के युद्ध वृत्तांत को मात्र सुनना चाहता हूं। तथास्तु, मैं संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान देता हूं। रणभूमि में घट रहे प्रतिपल घटनाक्रम का विवरण तुम्हें संजय ही सुनाते रहेंगे। इनसे कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। किंतु राजन, जिधर धर्म है विजय उधर ही होगी। राजन, अब मैं प्रस्थान करता हूं। आयुष्मान भव। संजय, धर्म क्षेत्र के घटनाक्रम की उचित जानकारी ही मुझे धैर्य और साहस दे सकती है। मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के मध्य युद्ध का सिंहनाद शंख बज चुका है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेता युयत्सवः मामका पांडवा श्रेष्ठ किं कुर्वत संजय। धैर्य रखिए महाराज, गुरु व्यास जी की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है, जिसके द्वारा मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि का विवरण स्वयं देख सकता हूं और आपको सुना सकता हूं। संजय, बिना विलंब सारे घटनाक्रम को देखो और हमें शीघ्र सुनाओ। महाराज, धर्म क्षेत्र की रणभूमि में इस समय दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के समीप आ गए हैं और कह रहे हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमो रूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। क्षेत्र की धरती रणबांकुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। महाविनाश की छवि चारों ओर साफ साफ दिखाई दे रही थी। आज युद्ध का 10वां दिन था। अर्जुन के तीरों की बौछार इतनी तीव्र गति से अचूक निशाना लगाने के लिए तत्पर और कटिबद्ध थी। कहीं उसे कोई नुकसान न हो, इसलिए शिखंडी भी कौरवों पर बाण वर्षा करने लगा।
और अर्जुन शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार करता रहा। भीष्म पितामह का शरीर बाणों से बींधा जा चुका था। नपुंसक शिखंडी पर वार न करने के प्रण के कारण ही उनका जीवन अंत की ओर बढ़ रहा था। सारी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। युद्ध रोक दिया गया। अर्जुन और कृष्ण भी वहां पहुंच गए। पुत्र अर्जुन, कंठ सूख रहा है, थोड़ा जल चाहिए। जी पितामह, ये लीजिए जल। समाप्त कर दो। मेरे बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना पुत्र। इसे जीवन की एक बड़ी हानि मानकर पांडवों से संधि कर लो, नहीं तो कुछ दिनों में ही तुम्हारे वंश का अंत हो जाएगा, कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। पितामह, हमें यूं अकेले छोड़कर मत जाइए। काश काश मैं भी क्षत्रिय होता तो आपके स्नेह और प्यार का अधिकारी होता। पितामह, पितामह। पुत्र कर्ण, इधर आओ मेरे निकट। पुत्र, तुम सूत पुत्र नहीं हो, कुंती तुम्हारी मां है। वास्तव में तुम ज्येष्ठ पांडव हो और मुझे उतने ही प्रिय रहे हो जितने दूसरे पांडव। पुत्र, पूज्य पितामह, मैं जानता हूं कि पांडव मेरे सगे भाई हैं, किंतु मैं क्या करूं, दुर्योधन के इतने उपकार हैं मुझ पर, मैं उससे कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता। अपने भाइयों से लड़ने के लिए मैं बाध्य हूं पितामह। नकुल, भीम, सहदेव, भ्राता युधिष्ठिर, पितामह श्री के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले लीजिए। मेरे पुत्रों, आज मुझे मेरे वचन की प्राप्ति हुई है। अब मेरा प्राण त्यागने का समय आ गया है। मैं कहता था ना कि जब कभी सूर्य उत्तरायण होगा तभी मैं शरीर त्याग दूंगा, और आज वो समय आ गया है। सूर्य उत्तरायण हो गया है और मैं हे
मेरी आंखों ने हिष्ण नरसंहार होते देखा है। मैंने देखा है चीखते चिल्लाते लहूलुहान शूर वीरों के शरीरों को। मेरे होंठ सूखते चले गए, आंखों से अश्रुधारा बहते बहते आंसू भी सूख गए। मेरा पवित्र आंचल लहू में लथपथ हो गया। मैं अधिक सहन नहीं कर पाऊंगी ये अनुरोध है। मैं मनुष्य जाति की इस कालिक दोष को छुपा भी नहीं सकती और धो भी नहीं सकती। मुझे इस संसार से मुक्ति लेनी होगी। मैं अदृश्य होकर संसारिक पापों से मुक्ति पा लेने की अधिकारी हूँ। मैं अदृश्य होकर भी इस पावन भूमि के प्रत्येक जीव को अपनी ममता स्नेह और प्यार सदैव देती रहूंगी। गुप्त साम्राज्य काल में महाकवि कालिदास ने अपनी अमर कृति मेघदूत में मेरा, मेरी सखी दृष्टवती और इस धर्म में कुरुक्षेत्र का गुणगान कुछ इस तरह से किया है।
इसी प्रकार समय, वर्ष, काल, प्रहर, दिन और रात बीतते चले गए। काल के रथ पर सवार समय तीव्र गति से भागता रहा, दौड़ता रहा और द्वापर युग के महानायक श्री कृष्ण का कार्यकाल भी तत्पश्चात लगभग संपूर्ण हो गया। मेरे तटों के किनारे बसी हुई प्राचीन व समृद्ध सभ्यताओं का अंत होता दिखाई देने लगा। हमारी संस्कृति अपनी पहचान बदलने लगी और समय चक्र न जाने कब करवट बदल कलयुग की ओर बढ़ता चला गया। पुरानी सभ्यताएं लुप्त होने के कगार पर आ पहुंची और कुछ नई सभ्यताएं धर्मों की झोली में पनपने लगी। इसी कड़ी में इस क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान बुद्ध के अनुयायियों का भी आगमन शुरू हुआ और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। उनके यहां आने से इस पावन भूमि की सुंदरता में और भी निखार आ गया। भगवान बुद्ध स्वयं कई बार यहां पधारे, इस भूमि को नतमस्तक प्रणाम कर आशीष लिया। इस धरती पर कई स्तूपों की जीती जागती तस्वीर इस काल्पनिक सुंदर मन के स्मृति पटल पर सदा सदा के लिए उकेर दी, जिसकी गवाही ब्रह्म सरोवर के किनारे स्तूपों के अवशेष बताते हैं। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। छठी शताब्दी में राजा प्रभाकर वर्धन स्थानेश्वर पर राज करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने सिंहासन संभाला और सिंहासन पर आसीन होते ही राज्यवर्धन को यह समाचार मिला कि उनकी बहन राजश्री के पति कन्नौज के राजा गृहवर्मन का मालवा के राजा देवगुप्त ने वध कर दिया। उसने यह भी सुना कि राजश्री को बंदी बना लिया गया है। राज्यवर्धन इसे सहन न कर सका, अपने छोटे भाई हर्षवर्धन पर राजधानी का कार्यभार छोड़ वो देवगुप्त के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। युवराज हर्षवर्धन की जय हो। कहो, युद्ध का क्या समाचार है? बहुत बुरी खबर है युवराज। महाराज राज्यवर्धन अब नहीं रहे। क्या कहा? युवराज, गौड़ के राजा शशांक मालवा के राजा देवगुप्त के मित्र थे। जब महाराज राज्यवर्धन ने देवगुप्त को परास्त किया तब देवगुप्त की मृत्यु के पश्चात राजा शशांक ने आपके भाई महाराज राज्यवर्धन को छल से अपने कक्ष में बुलाकर उनका वध कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। शशांक, तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं अपने पिता श्री और माता श्री की सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं तुमसे अपने भाई की मौत का बदला ना ले लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर असफल हुआ तो स्वयं का अग्नि दाह कर दूंगा। सेना को तैयार हो जाने का आदेश दिया जाए। क्षेत्र का मध्यकालीन इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हर्ष के शासनकाल में इस प्रदेश की संस्कृति और समृद्धि का डंका चारों दिशाओं में बजने लगा।
वीर योद्धा और निपुण शासक होते हुए वो स्वयं कलाकार और साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने कई नाटक भी लिखे और अपने नाटक रत्नावली का मंचन भी किया। उन्हीं के शासनकाल में महाकवि बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। यहीं आया था प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग। क्या नजारे हैं! धरती पे फूल, आसमान में सितारे हैं। ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अरे सेवक भाई, दूर तक देखा मैंने, सभी लोग कितने खुश लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। इतनी सेवा, इतना आदर कहीं नहीं मिला मुझे। अतिथि महाराज, इस धरती को देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ अतिथि को भी देव समझकर पूजा जाता है। नहीं नहीं महाराज, मत बोलो, मुझे ह्यूनसांग बोलो। ह्यूनसांग मेरा नाम होती, मेरा नाम ह्यूनसांग होती। ये हमारे अतिथि सत्कार के विपरीत है महाराज, हम अतिथि को देव ही मानते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपने देश में जाएगी तो लिखेगी, इस मुल्क में चोरी का कोई डर नहीं, डाकू नहीं, लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाती, मतलब किसी वस्तु की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये धरती सचमुच देवलोक है, देवलोक। हम लोग वहाँ कितना अभाव में रहती, कितना दुखी रहती, और यहाँ यहाँ जनता मन और विचारों से भी कितनी रिच है। सेवक भाई, मैं तुम्हारे बारे में, यहाँ की प्रजा के बारे में, यहाँ के किंग महाराजा हर्ष के बारे में और इस देश के बारे में अपने राजा से बात करेगी। मेरा चीन भी ऐसा होना मांगता, स्वर्ग के समान। सेवक भाई, आओ चलते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर से जितने भी आक्रमणकारी आए, इसी रास्ते से आए। महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र में बहुत लूटमार की। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का महायुद्ध इसी धरती के तरावड़ी क्षेत्र में हुआ था।
रावड़ी के युद्ध का वर्णन करते थे चंदर वरदाई अपनी कविता से चौहान को सही दिशा थी दर्शाई रावड़ी के युद्ध का वर्णन करते थे चंदर वरदाई अपनी कविता से चौहान को सही दिशा थी दर्शाए देखी चतुराई मोहम्मद गोरी के आसन की सही ऊंचाई बतलाए मोहम्मद गोरी के आसन की सही ऊंचाई बतलाए कविता से सुहान को सही दिशा थी दर्शाई वाह 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 कविवर तीन बार वाह एक तो आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन दूसरा हमारी धनुर्विद्या दुश्मन की मृत्यु पे हर्ष महाराज मुझसे बड़े कवि होंगे आपसे बड़े योद्धा भी होंगे लेकिन मेरी सबसे बड़ी वाह इस दुष्ट शत्रु की मृत्यु पर है कवि और मृत्यु पर वाह ये दुष्ट हमारी संस्कृति पर आक्रमण कर क्षति पहुंचाना चाहता था हमारी गौरवमय परंपरा को मिटाना चाहता था इसका अंत इस देश की नैतिकता को जिंदा रखने के लिए अनिवार्य था बहुत अनिवार्य था कविवर आप तो शास्त्र ज्ञाता हैं हमने तो सिर्फ अपना कर्म करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ मार्ग प्रशस्त किया है कुरुक्षेत्र की पावन धरती सभी धर्मों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा का केंद्र रही है ये धरती सूफी संतों का भी आश्रय स्थल बनी रही यहीं थानेश्वर में स्थित है शेख चिल्ली का मकबरा सूर्य ग्रहण के अवसर पर सदगुरु बाबा नानक देव जी भी यहाँ पधारे थे जहाँ उन्होंने विश्राम किया था वहीं स्थापित किया गया सिद्धवटी गुरुद्वारा गुरु अमरदास जी गुरु हरगोबिंद जी गुरु गोबिंद सिंह जी यहां समय समय पर आते रहे हैं
पालक में खालक पूर रहो सब ठाई कुरुक्षेत्र की यात्रा या स्नान करना तो दूर, कुरुक्षेत्र के नाम का स्मरण कर लेने से ही मनुष्य को पुण्य लाभ फल मिलता है। यदि कुरुक्षेत्र की यात्रा का विचार भी मन में आ जाए तो राजस्वीय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर असीम अनंत और अद्भुत फल प्राप्त होता है। धरती की धूल जिस प्राणी को छू जावे भव सागर से पार उतर जा परम गति वो आ पावे शक्ति श्रद्धा और लगन से मन इच्छा वो फल पावे कष्ट पाप सब दूर भगे जो सरोवर में आना वे कष्ट पाप सब दूर भगे जो सरोवर में आना वे विष्णु और दान पुण्य का मिलता है फल भोग यहाँ इसी धरती के पानीपत क्षेत्र ने कई लड़ाइयां झेली हैं, किंतु प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। यहाँ के लोग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। मैं भले ही भौतिक रूप से इस धरती से लोप हो गई हूँ, लेकिन आप लोगों ने सदैव मुझे श्रद्धा व प्रेम से स्मरण रखा है। उसी भाव से मैं भी अपने वंशजों को निरंतर स्नेह और आशीर्वाद देती आ रही हूँ। मुझे ये स्थान आज भी लगता है स्वर्ग सा सुंदर।
मुझे आज भी याद है, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश। ठीक उस अर्जुन की तरह इस संसार का हर एक मनुष्य अज्ञानता के चक्र में जकड़ा हुआ है और वो आज भी असमंजसता में है। जिस ज्ञानवर्धक संदेश की आवश्यकता श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत और नियम द्वारा दी जाती है, प्रत्येक मनुष्य उसी उपदेश से आज भी असत्य से सत्य, अज्ञान से ज्ञान, अंत से अनंत तक और ब्रह्मांड से शून्य तक के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। आओ हम प्रण करें कि इस पावन धरती की पृष्ठभूमि पर अंकित गीता के उस संदेश को जीवन यापन कला बनाएं और उसमें दर्शाए गए सिद्धांतों का अनुसरण करें। सभी रुके रहें, सभी कलाकार रुके रहें। आज की प्रस्तुति
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार हरियाणा सरकार एवं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से प्रस्तुत की गई आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। अब आप सब मिलकर तालियां बजा सकते हैं ताकि इन सबको पता लगे कि आपने कितना पसंद किया इसे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की यह प्रस्तुति। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुभाष सुधा जी माननीय विधायक महोदय उमा जी से भी निवेदन करूंगा और किरण जी आप लेकर आए विधायक जी को और उमा जी को डॉक्टर गौरव वंतिल हमारे सीईओ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड रविंदर शर्मा जी आइए रजनीश भगत जी हमारे जिनके बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ ये साकार रूप जो रविंदर शर्मा जी के नेतृत्व में ये सारा जो उपक्रम हुआ आप सबकी मौजूदगी में इन्हें जरूर सम्मान मिलना चाहिए आपकी तालियों के साथ इन्हें सम्मानित किया जाए तो बहुत खुशी होगी। जी आपने भी गाया आपको कौन नहीं जानता हाय हाय हाय। तो इन सब कलाकारों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ भी होगा लेकिन उसके पहले इन सब कलाकारों के बिहाव पर रविंदर जी विधायक जी के हाथों से वो सम्मान प्राप्त करेंगे जो जिसके हकदार ये और उनकी पूरी टीम नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की जिसमें पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के वो तमाम कलाकार ईश्वर जी जैसे बहुत ही बेहतरीन प्रसिद्ध गायक हमारे छाऊ के गोटीपुआ उड़ीसा के कलाकार जो आए हुए हैं जो छाऊ हमारा पुरुलिया से आए हुए कलाकार है बहुत सारे इसमें ट्रेडिशनल फॉर्म्स फोक फॉर्म्स और शास्त्रीय नृत्य और सबसे बड़े हकदार सम्मान के हैं हमारे ये प्रिय कलाकार और यहाँ के स्थानीय बच्चे जिन्होंने सिर्फ 7-8 दिन में इस प्रस्तुति को इस सीमा पर लेकर गए और उससे भी बड़ा सम्मान मैं कह सकता हूँ कि आप जितने भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने इतना स्नेह दिया एक बार जोरदार तालियाँ आप अपने लिए और इन बच्चों के लिए। हाँ जी जैनेन्द्र जी जैनेन्द्र जी तो ये प्रस्तुति है लेकिन एक बात ये भी आपको बता देंगे कि कल भी बहुत सुंदर एक प्रस्तुति है द्रौपदी जो नृत्य बैले है हेमा मालिनी जी का उसकी प्रस्तुति आपके समक्ष होगी कल की संध्या में। हरीश गंगानी जी बहुत ही जाने माने कथक नृत्य के कलाकार हैं बहुत ही विख्यात कलाकार हैं और उनका मार्गदर्शन इस प्रस्तुति में उनकी भूमिका इस प्रस्तुति में महत्वपूर्ण है। गंगानी जी को मैं आमंत्रित करता हूं रजनीश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं राइटर हैं डायरेक्टर हैं और इनकी उपस्थिति हम सबको बहुत प्रेरणा देती रही है तो ये सम्मान सभी कलाकारों के तरफ से आदरणीय रजनीश जी को भी आप सबके करतल ध्वनि के साथ तालियों के साथ और देश के कोने कोने से तमाम जो कलाकार इस प्रस्तुति का हिस्सा बने उन सबको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। मणिपुर से भी राज के भी कलाकार हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति और उनकी वेशभूषा आप देख सकते हैं देश के अलग अलग तमाम हिस्सों से कलाकारों की ये प्रस्तुति ये जो रंग जिन्होंने भरा है ये बहुत ही विशेष है और बहुत ही खूबसूरत है। हरीश गंगानी जी प्लीज आ जाएं एक बार स्टेज पर। हरीश गंगानी जी कथक नृत्य के बहुत ही जाने माने कलाकार बहुत सुंदर कोरियोग्राफर बहुत सारे कलाकारों को जिन्होंने अपने हाथों से तैयार किया प्रशिक्षित किया है वो और उनकी पूरी टीम जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य के तमाम रंगों को और इस कोरियोग्राफी को साकार रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए हरीश गंगानी जी कथक के जयपुर घराने के बहुत ही जाने माने बेहतरीन कलाकार बहुत सारी शुभकामनाएं इन्हें भी आभार इनका विधायक जी के हाथों से। धर्मवीर जी दोस्तों आपको कैसी लगी प्रस्तुति ये जोरदार तालियां एक बार ईश्वर जी को भी सम्मान तो बहुत लोगों के बनते हैं क्योंकि इन बच्चों का सम्मान सबसे ऊपर बनता है और मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्तुति के बारे में चंद अल्फाज कोई बात नहीं गला मेरा भी बैठा हुआ है गला मेरा ही बैठा हुआ है आप आइए आइए
आइए मैम, आइए आप बोलिए। मैं बहुत ही हर्ष और गर्व के साथ कहना चाहूंगी, इतनी सुंदर प्रस्तुति और इसमें कुरुक्षेत्र के संगीत एवं नृत्य विभाग के 20 बच्चे और 2 शिक्षकों ने भाग लिया, उनको बहुत अच्छा अवसर मिला सीखने का और यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने का। हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, NZCC का, गिल साहब का दिल से धन्यवाद। एक मैं जिन्होंने सरस्वती की आवाज़ दी है, सरस्वती की डॉक्टर इंदिरा बाली, उनसे निवेदन करूँगा वो मंच पे आए। पूरी जो आपने इसमें जो सरस्वती की नरेशन, मैम पंजाबी यूनिवर्सिटी में डांस डिपार्टमेंट के हेड हैं और जोरदार तालियां मैम के लिए। और मैं 4 स्कूलों के बच्चे, वैसे तो मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और ख़ास करके DO मैम का, 4 स्कूलों के बच्चे, गीता स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उन्होंने हमें अपना हॉल भी दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बच्चों को बहुत ही हमारा स्नेह, बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। और दोस्तों, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला हमेशा ही इसको हमने सर इसको महाभारत उत्सव का नाम भी नॉर्थ जोन नहीं दिया था, जब BJP की गवर्नमेंट थी वाजपेयी साहब की, तब हमारे मिनिस्टर श्री जगमोहन जी, उन्होंने तब काफ़ी बड़ी ग्रांट दे के 2002 में इसको हमने समर मंथन तब किया था। और हमारे मैडम सुमेधा कटारिया जी DC साहिबा, उन्होंने स्पेशल कहा कि मैं उसी लेवल पे देखना चाहती हूँ। तो आज ये मंच हम उस लेवल से भी आगे लेकर जाने का हमारा प्रयास रहा है, और ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हरियाणा गवर्नमेंट का, हमारे विधायक महोदय का, पूरी सरकार का पूरा सहयोग था और आप लोगों का उससे बड़ा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय निंद। तो दिवेश सज्जनों, आपका आज विधायक जी का और सबका, गणमान्य अतिथियों का आभार, लेकिन कल के लिए हम जरूर आमंत्रित करना चाहेंगे 4:30 बजे का समय, जब माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एक विशेष कार्यक्रम में यहाँ पर इसी जगह पर उपस्थित होंगे। आप सभी आए और कल के संध्या में जो और कल संध्या को जो द्रौपदी जो प्रस्तुति है नृत्य नाटिका की, हेमा मालिनी जी जो सांसद भी हैं, कलाकार भी हैं, बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, उनकी प्रस्तुति है, तो आप सब कल के लिए जरूर आइएगा। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन कलाकारों को सर आंखों पे बिठाने को जी चाहता है। विधायक जी, आपकी तरफ से कह रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से कह रहा हूं, इन सब कलाकारों को सर आंखों पर बिठाने को जी चाहता है। ये जितने कलाकार है ना, सब कुरुक्षेत्र की जनता कह रही है आपको, इन सब कलाकारों को सर आंखों पे बिठाने को जी चाहता है, इन सब कलाकारों को अपने दिल में बिठाने को जी चाहता है। ऐ मेरे कृष्ण, ऐ मेरे प्रभु, इन सब को इतनी तरक्की दे, इन सब को सारी दुनिया घुमाने को जी चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए इन कलाकारों को हम धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी ठंड में विधायक जी की तरफ से भी, पूरी जनता की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और ईश्वर शर्मा जी हमारे हरियाणा की शान है, इन्होंने पूरे हरियाणा का नाम हिंदुस्तान में किया है। हम कुरुक्षेत्र की जनता, हरियाणा की जनता की तरफ से इनके आभारी हैं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे सब स्टाफ के लोग, हमारे उमाशुदा जी चेयरमैन साहब और सारी जनता जनार्दन, देखो ईश्वर जी जाने का नाम नहीं ले रही, ये असली श्रोता हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जाने का नाम नहीं ले रही इतनी ठंड के लिए। वाह जी वाह, बधाई हो थमने, गेला करवा चौथ की भी एक डिमांड और का, एक रागनी मांगे जा रहे, रागनी का अब भाई आप जिस दिन कहोगे फिर दोबारा रागनी, क्योंकि अब इस समय तो थोड़ा। और मैं एक बहुत बड़ी गलती कर गया था, बहुत दूर दूर से कलाकार यहाँ की तैयारियाँ करवाने के लिए आए थे, इसमें हमारे कोलकाता से बहुत ही सीनियर डांस डायरेक्टर, जिन्होंने खुद मेघा का रोल भी किया, मानुषी दास, मानुषी दास जी को मैं निवेदन करूँगा कि थोड़ा आगे आएं, मानुषी दास। और चेन्नई से मैडम मोना, जिन्होंने सारे हरीश गंगानी जी के साथ मिलके
ये सारा जो क्लासिकल पोर्शन था क्लासिकल डांसेज का, इन्होंने एक बार जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां सारा हरीश गंगानी इन तीन लोगों ने ये सारे, और सरस्वती तो मैम आप ही रोल इन्होंने किया, इनेक्टमेंट भी की और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। भाई तालियां इतनी जोर से नहीं लगाई आपने, इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे पांडे साहब और भी बहुत सारे लोग, किशन जो हमारे पीछे जिन लोगों ने पूरा वहाँ से लाइट का पूरा कंट्रोल किया मॉडर्न स्टेज, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको मैंने करवा चौथ की बधाई तो दे दी थी, अब आप सभी को भगवान श्री कृष्ण खुशियां दे, आप खुश रहे। बढ़िया श्री कृष्ण भगवान की। भाई एक बार सारे ऊपर हाथ खड़ा करके, सारे ऊपर हाथ खड़ा करके, बढ़िया श्री कृष्ण भगवान की, थारी भी सारे की। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी और सारे देश से हमारे कलाकार साथी, क्योंकि मैं भी अपने विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था राष्ट्रीय अवार्ड मैंने जीता है, तो कलाकारों का जितना सम्मान किया जाए, क्योंकि कलाकार सिर्फ ताली और एक उनको ये कह दें कि बहुत अच्छी प्रस्तुति है, उससे उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। आप जितने भी यहाँ आए हैं, हम आप एक एक कदम चल के आए हमारे सर माथे, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सारे हमारे युवा नौजवान देवी सज्जन जितने हैं, आपने जितना शांतिपूर्ण योगदान दिया है और कुरुक्षेत्र का ये उत्सव पूरी दुनिया देख रही है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि जिस सरकार ने इस उत्सव को पिछले साल राष्ट्रीय स्तर का बनाया और इस बार इंटरनेशनल लेवल का बना करके कुरुक्षेत्र का जो मान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है, हम धन्यवादी हैं तहे दिल से, सरकार के, प्रदेश की सरकार के, हमारे सेंटर की सरकार के। और हमारे मोदी जी तो जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, गीता लेकर के जाते हैं। गीता का मतलब कुरुक्षेत्र के एम्बेसडर हैं वो, और गदगद होता है दिल। और मैं यहां जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के और खास के कुरुक्षेत्र के लोग अतिथि को भगवान का दर्जा देते हैं। जो बाहर से सज्जन आए हैं उनको कोई असुविधा हो तो हम कुरुक्षेत्रवासी उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। और भाई ईश्वर जी अभी भी देखो जो प्रेमी हैं वो खड़े हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इन कलाकारों को कि सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। किसी का मोबाइल गिर गया है, किसी सज्जन का एक मोबाइल यहाँ गिरा है, नोकिया का मोबाइल है, अपनी पहचान बता के ले जाए भैया, किसी का मोबाइल गिर गया।